मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज। अगर आपका बैक पेन है, कमर दर्द है, घुटने में दर्द है, क्या एक्सरसाइज करें? चलिए देखते हैं। तो ऐसे करेंगे, हम लेटेंगे पहले जमीन पे, अब ऐसे उठेंगे, फिर लेटेंगे, फिर ऐसे हाथ रखेंगे, उठेंगे। तो इससे क्या होगा? बैक स्ट्रेचिंग होगा। बैक स्ट्रेचिंग को हमें कितना करना है? अगर आप एक्सपर्ट हैं तो और ले जाएं, ऐसे थोड़ी देर स्ट्रेच करके रखें, इससे आपको अच्छा लगेगा। उसके अलावा अब आप उठने की कोशिश करेंगे, हाथ पीछे रखें, 1 2 3 4। अब आपका नी पेन है, सपोज करें घुटने में दर्द है, तो वॉक नहीं करना है। अब देखिए घुटने को मोड़ना है आपको, 1 2 1 2 1 2, राइट लेग फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड। इससे क्या होगा? नी पेन ठीक होगा, स्पाइन में भी हेल्प करेगा। ये एक एक साइड से हो गया। अब दोनों साइड से हमें करना है, 1 2 1 2 1 2, ये हुआ। अब क्या करना है? जैसे आपको स्पाइन पेन है तो स्पाइन के लिए अब आपको ये उठाना है। जैसे थोड़ा सा हम ऐसे उठ गए, ऐसे जाएंगे, पुशअप्स भी आप कर सकते हैं। ये आपका होल बॉडी एक्सरसाइज है, ठीक है, ये हेल्प करेगा। उसके अलावा आपको पूरा बॉडी फिट भी रखना है, नी भी ठीक रहे, कमर भी ठीक रहे, तो एक प्लैंक एक्सरसाइज भी करें। आप ऐसे लेट गए, बॉडी स्ट्रेट, सामने देखें, कितनी देर आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा अब कमर में घुटने में दर्द रहता है तो एक एक्सरसाइज और बता रहा हूं। ये पैर को आगे फोल्ड किया, फिर आगे फोल्ड किया, फिर आगे फोल्ड किया, ये दिख रहा होगा आपको, फिर आगे। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। एक चीज और बताता हूं, स्पाइन में आप ऐसे भी कर सकते हैं और नी के लिए ये भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। नी पेन है, स्पाइन पेन है, लेट जाओ सीधे, दोनों पैर आगे पीछे नीचे, आगे नीचे, कमर का दर्द भी ठीक, घुटने का दर्द भी ठीक, फिर साइकिल चलाएं ऐसे ऐसे, कमर का दर्द भी ठीक, घुटने का दर्द भी ठीक, ठीक है। उसके अलावा पैर को थोड़ा ऐसा रोक लें, फिर नीचे कर लें, फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलाएं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पाइन पेन, नी पेन के लिए एक्सरसाइज। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।